हमीरपुर युवा कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी एवं हमीरपुर संसदीय कांग्रेस लोकसभा अध्यक्ष मोहित चौधरी ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया जाए, क्योंकि कोरोना बीमारी से निजात पाने के लिए लॉकडाउन बहुत ही जरूरी है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि प्रदेश के युवा नौकरी करने के लिए घरों से बाहर गए हुए हैं, उन्हें भी हिमाचल में लाए जाने के लिए जल्द काम किया जाए, क्योंकि युवा प्रदेश के बाहर विपरीत परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री के द्वारा हिमाचल को लॉकडाउन के लिए जोन वाइज बांटने की बात को भी गलत करार दिया है। मोहित चौधरी ने कहा कि ऊना जिला से लाए गए कोविड मरीज को हमीरपुर शिफ्ट करने से जिला के लोग भी डरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि सैनिटाइजेशन के लिए ठीक ढंग से काम नहीं किया जा रहा है, जो कि गलत बात है। मोहित ने सीएम जयराम ठाकुर से पूछा है कि लॉकडाउन के चलते प्रदेश को जोन वाइज नहीं बांटा जाना चाहिए, क्योंकि इससे नुकसान हिमाचल की जनता को भुगतना पड़ सकता है। सबसे पहले आज लॉकडाउन का सेकंड लास्ट डे है और एक दिन बाकी है। मेरी प्रदेश सरकार से गुहार है, माननीय मुख्यमंत्री से गुहार है कि वो इस प्रदेश को जोन वाले चक्रों में बांटने छोड़ दें, क्योंकि अभी प्रदेश सरकार में जरा भी क्लेरिफाई नहीं हुआ है कि कितने लोग कोविड 19 से इस महामारी से लड़ रहे हैं, या कौन से हमारे हमीरपुर जिला की बात करें, हमीरपुर जिला के लोगों का भी अभी पूरा फाइनल नहीं हुआ है। जैसे कि सारी प्रदेश की सरकारें इस लॉकडाउन को बढ़ा रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी से गुहार है कि आप भी इस लॉकडाउन को बढ़ाएं, ताकि इस महामारी की लड़ाई से हम दूर हो सके और इसकी जो चेन है वो टूट सके। और साथ के साथ मेरा मुख्यमंत्री जी से ये एक और निवेदन है कि ये जो आप घोषणाएं कर रहे हैं कि गरीबों को, कामगारों को राशन बांटा जा रहा है, तो वो कागजों में है कि वो लोगों को बांटा भी जा रहा है। अगर एक आधी बार वो बांट भी गया है तो वो 5 किलो या 7 किलो आटे से 21 दिनों का लोगों का रोज़गार नहीं चलता है, क्योंकि परिवार बड़ा होता है गरीबों का, गरीब लोगों का परिवार बड़ा होता है। मान लीजिए अगर वो काम करने जाते हैं तो एक दिन में 2 समय खाना बनाते होंगे, अब तो वो घर पे हैं तो एक दिन में वो 3 समय खाना बना रहे हैं। तो ये क्या आपने राशन मुहैया करवा रहे हैं कि ये घोषणाओं में हो रहा है, और ज़्यादातर अगर हम बात करें प्रैक्टिकली तो ये घोषणाओं में ही हो रहा है, ये हकीकत में नहीं हो रहा है। साथ में मेरी मुख्यमंत्री जी से गुहार है कि हमारे प्रदेश के युवा जो बाहर नौकरी करते हैं, पढ़ते हैं, हमारी बहनें जो बाहर नौकरी करती हैं, पढ़ती हैं, उनको सरकार ने ऐसा कोई स्टेप उठाया है कि उनको हिमाचल प्रदेश में वापस लाया जाए। अगर प्रदेश में ही ऐसा हाल है तो वो अन्य प्रदेशों में काम कर रहे हैं तो उनका क्या हाल हो रहा होगा। हमारी बड़े दिनों से निवेदन थी कि आप कम से कम उनको तो वापस लाइए, आप उनको भी वापस नहीं ला रहे हैं। साथ के साथ एक बड़े है देखो चौंकाने वाली बात है कि हमीरपुर जिला में अभी तक कोविड-19 से कोई भी पेशेंट सामने नहीं आया था, लेकिन ऊना जिला से आप कोविड-19 का पेशेंट हमीरपुर जिला में ला रहे हैं। ये एक पैनिक करने वाली बात है, लोग इससे पैनिक हुए हैं, इससे लोग डरे हुए हैं। आखिर ऐसी चीज़ें, मेरी आपसे निवेदन है कि उन पेशेंट को कहीं और लेके जाया जाए। बेशक उस हॉस्पिटल के अंदर कोई जा रहा है चाहे नहीं जा रहा है, लेकिन ये बड़ी गंभीर समस्या की बात है। साथ के साथ मैं परसों रात को पता चला था कि जिस गाड़ी में वो पेशेंट को लेके आए तो वो गाड़ी बिना सैनिटाइज किए बगैर वो हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में पहुँच गई, वो हमें पता लगा। तो उसके बाद सुबह हमने नगर परिषद से भी गुहार लगाई, यहाँ के पार्षदों से भी गुहार लगाई कि आप उसको उस एरिया को सैनिटाइज करवाया जाए, तो उन्होंने वहाँ सैनिटाइजेशन करवाई। कि ऐसी भूलें सरकार कर रही है ताकि इस महामारी से और भी इसके लपेटे में आए। और साथ के साथ मैं एक बात और कहना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप जरा और सतर्क हो जाइए, क्योंकि अभी जो लॉकडाउन का प्रोसेस ख़त्म नहीं होने वाला है, इसको जोन में मत बांटिए, क्योंकि अगर आप इसको जोन में बांटते हैं तो लोगों की आवाजाही शुरू होगी, लोगों का आना जाना शुरू होगा, और इससे और नुकसान हिमाचल प्रदेश की जनता को होगा, हिमाचल प्रदेश के लोगों को होगा। तो आप जो भी फैसला लें, जनहित में फैसला लें, कांग्रेस पार्टी की सरकार प्रदेश की सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी है, आप एक फैसला लें ताकि ये जो महामारी है ये रुके।